और भगत मिले पैसे से मंदिर तो बनवाए जा सकते हैं, मंदिर में साफ सफाई करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए पुजारी जी भी लाए जा सकते हैं, लेकिन कि ये मंदिर मिल जा और भगत मिले, भगवान मिले ना, पैसा से भारत देश के अंदर सबसे ज्यादा पैसा अंबानी के पास है, लेकिन इतना पैसा होने के बावजूद उसके हाथ में दो चीजें नहीं है, पता है क्या? सुनो, जीवन मरण मिले ना, जीवन दान मिले ना, पैसा से हो मंदिर मिल जा, भगत मिले, भगवान मिले ना, पैसा से जीवन मरण मिले ना, जीवन दान मिले ना, पैसा से हो मंदिर मिल जा। अरे शिष्टाचार, अरे शिष्टाचार, संस्कार और हाँ शिष्टाचार संस्कार और परिवार मिले ना पैसा से, एक आव भगत का अच्छा रिश्तेदार मिले ना पैसा से, स्वागत और सत्कार मिले, स्वागत और सत्कार मिले, पर प्यार मिले ना पैसा से, मिले स्वार्थी घर घर सच्चा यार मिले ना पैसा से, ओ मिले स्वार्थी घर घर सच्चा यार मिले ना पैसा से, अरे शब्द आपकी समझ में तो आ रहे हैं? अगर आ रहे हो तो हाथ उठा के बता दो, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी कली के द्वारा बताया, अगर किसी इंसान का कोई खानदान, कुल, वंश को चलाने वाला वारिस ना हो तो जिंदगी कट जाएगी, नहीं कटेगी, लेकिन ये खानदान, वंश, वारिस, ये कोई बाजार में बिकने वाली वस्तु नहीं है जिन्हें खरीद के लाया जा सके। और दूसरी कली के द्वारा क्या बताया, क्या लिखा, कैसे एक खानदान और खानदान की खानदान और खानदान की लाज मिले ना पैसा से, बिना तपस्या सच्चाई
कभी ताज मिले ना पैसा से, गीत मिले संगीत मिले, हाँ गीत मिले संगीत मिले, आवाज मिले ना पैसा से, कुर्बानी ये कुर्बानी रंग लाती है कभी राज मिले ना पैसा से, कुर्बानी रंग लाती है कभी राज मिले ना पैसा से, सत्यवादी और गुणनशील, हाँ सत्यवादी बहुत हो, लेकिन समाज के अंदर अगर इज्जत ना हो तो जीने में कोई जीना नहीं रह जाता है। कितना भी पैसे वाला है और अगर इज्जत खो गई ना तो लोग थूक देते हैं उसके ऊपर, बना पैसे वाला, जीना दुर्लभ हो जाता है। और बड़े लोग क्या कह के गए हैं, क्या चीजें नहीं मिलती, क्या बताया, तीसरी गली में कह गए समय और बात मिले न पैसा से, भूख प्यास अच्छी निंद्रा दिन रात मिले न पैसा से, रूप रंग अच्छी भाषा और जात मिले न पैसा से, बच्चों को आदर्श पिता और मात मिले न पैसा से, बच्चों को आदर्श पिता और मात मिले न पैसा से। जो बड़े बूढ़े बूढ़े हो जाते हैं, लड़का लड़की जवान हो जाते हैं, शादी हो जाती है, अरे माँ बापों का तो रोना हो जाता है जब संतान कहने की नहीं मानती है। और किस तरीके से जो सेवा करे माँ बापों की सेवा करे, माँ बापों की संतान मिले ना पैसा से, हो मंदिर मिल जा भगत मिले, और आज तक हमेशा मुझे एक बेटी से भी कहीं ज्यादा प्यार दिया, आदरणीय राकेश अंकल जी, आदरणीय अतर सिंह अंकल जी, जो सुरखपुर गांव से चल के हमारे बीच में आए हैं, वो
₹500 आदरणीय बेगूवाड़ा बाबा के दरबार में देते हैं और ₹100 से हमारी टीम को सम्मानित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बहुत ही अजीज आदरणीय जितेंद्र जी, जो NDJ कैसेट कंपनी के बहुत ही अच्छे कैमरामैन हैं, वो भी ₹500 से हमारी टीम को सम्मानित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट कली में कहते हैं, अंकल जी कहने का तो एक चलन सा हो गया है, लेकिन हम उन्हें अंकल जी नहीं, चाचा जी कहते हैं। आदरणीय चाचा जी बलजीत यादव जी, जो गुड़गांव शंकर वाली ढाणी से चल के हमारे बीच में आए हैं, ₹1000 पहले दे चुके हैं और ₹500 से फिर से हमारी टीम को सम्मानित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरीके से कैसे बेटे नहीं मिलते, बेटे होंगे घर घर में, हाँ बेटे होंगे घर घर में। श्रवण राम मिले न पैसा से, किशन पाल तेरा पामनी खेड़ा, राम मिले न पैसा से, किशन पाल तेरा पामनी खेड़ा, लास्ट लाइन। इस दुनिया में लोग गुरु बनाते हैं और अच्छी बात है, बना लेने चाहिए, क्योंकि गुरु बिन ज्ञान कहां से आए। लेकिन कुछ गुरु ऐसे भी होते हैं, गुरु बन गए, ज्ञान है ही नहीं पास में। कवि ने बताया कि जिसको दिल चाहे समाज के सामने पगड़ी पहना दो और मन में ये धारण कर लो कि आज से ये इंसान मेरा गुरु है, ठीक है गुरु जी बन गए। लेकिन गुरु जी तो बन जाएंगे, गुरुजी के साथ साथ बताया, गुरु भले मिल जाओ बेशक, गुरु भले मिल जाओ।